इन दिनों सोशल मीडिया पर इंदौर की एक भाजपा नेत्री का ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस भी खिंचाई करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने भी उक्त ऑडियो के मामले में अपनी ओर से तीखी टिप्पणी व्यक्त की है। गौरतलब है कि भाजपा नेत्री जोशी की आवाज में एक ऑडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उज्जैन के अपने ही किसी पार्टी कार्यकर्ताओं को वे जमकर डपट रही है। उक्त मामले में राकेश सिंह यादव ने कहा कि ये भाजपा का ही चरित्र है जो इस तरह की कार्यशैली दिखाई दे रही है। राकेश बताएं, जो भी भाजपा नेत्री का एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है और उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा नाथुराम गोडसे से ही मेल खाता है। ये सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश मंत्री सस्ता जोशी, जो स्वयं धारा प्रभाव में एक ऑडियो आया जिसमें लगातार 12 मिनट तक गालियां बक रही हैं एक छोटे से कमेंट्स के लिए। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग बीजेपी में पदाधिकारी हैं जो महिलाओं का भी अपमान करते हैं और स्वयं महिला होने के कारण महिला जगत का अपमान करते हैं। इस तरह की बातें बोलना, इस तरह की संस्कृति, ये दिखाती है कि गोडसेवादी चरित्र है भाजपा का, चाल चरित्र और चेहरा ये उजागर हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह को भी माफ़ी मांगना चाहिए।